श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिव भक्ति मार्ग में। इस बार रक्षाबंधन को लेकर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन लोगों में बना हुआ है। असल में भाई बहन का ये जो त्यौहार है रक्षाबंधन, वह पूर्णिमा की तिथि के दिन ही मनाया जाता है, लेकिन इस बार पूर्णिमा के दिन भद्रा भी पड़ रही है और कहा जाता है कि भद्रा में राखी बांधना बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना जाता है। भद्रा काल में ना तो राखी बांधी जाती है ना ही होली का दहन किया जाता है। तो और भद्रा कौन थी, इसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बना चुकी हूँ, ऑलरेडी चैनल पर डला हुआ है, उसमें मैंने भद्रा के संबंधित जानकारी भी आपको दी है और किस समय पर आप राखी बांधेंगे वो भी बताया है। परंतु आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कुछ नियमों के बारे में कि जब हम राखी बांधते हैं, क्योंकि एक और मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको नारियल को लेकर सभी नियम बतलाए थे, उस वीडियो को भी आप एक बार जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि ये सभी आपके कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास, तो मैं उन्हीं को लेकर मैंने वीडियो बनाया, क्या भद्रा से पहले हम राखी बांध सकते हैं, अगर दीदी बच्चे नहीं मान रहे हैं तब हमें क्या करना चाहिए, या देखिए मैंने अगर अपने भाई को राखी भेज दी है किसी कारण से मैं नहीं जा पा रही हूँ तब उस राखी को कौन बांध सकता है, नारियल क्या रखना बहुत ज़रूरी होता है, और पीरियड्स में यदि हम राखी बांधते हैं तो उसका क्या असर होता है, और राखी अगर हम पहले भगवान को बांधे और फिर अपने भाई को बांधे भद्रा काल में तो क्या ये सही रहेगा। तो आज की वीडियो इसी पर आधारित है, वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, आपको आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर इस एक वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे, क्योंकि आप सभी के द्वारा पूछे गए प्रश्न भी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए सबसे पहली बात, क्या भद्रा से पहले राखी हम बांध सकते हैं, क्योंकि आप सभी को पता होगा भद्रा यानी कि 11 अगस्त पूर्णिमा तिथि के साथ ही शुरू हो जाएगी, और आप सभी जानते हैं कि जब हम राखी बांधते हैं तो वह पूर्णिमा तिथि के साथ ही बांधी जाती है, यानी कि जब पूर्णिमा तिथि लगती है तभी हम राखी का त्यौहार मनाते हैं। तो इस बार जो पूर्णिमा की तिथि है वो 11 अगस्त के दिन सुबह 10:38 से शुरू होगी, यानी कि शुभ मुहूर्त 10:38 से शुरू होगा। तो इसके साथ ही आप सभी को पता है कि भद्रा भी लग जाएगी, तो उस समय में राखी नहीं बांधी जाएगी, परंतु आप पहले राखी नहीं बांध सकते क्योंकि पूर्णिमा की तिथि शुरू ही नहीं हुई है। तो ये तो आपका देखिए डाउट क्लियर हो गया कि आप पहले राखी नहीं बांध सकते। आप राखी बांधेंगे कब, तो वो भी बता देती हूँ, आप 8:51 के बाद आप कभी भी बांध दीजिए, रात में कोई उसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, भद्रा का जो संपूर्ण जो पूरा समय है वो समाप्त हो जाएगा। तो इस वीडियो में तो मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ ऑलरेडी, क्योंकि चैनल पर वीडियो डला हुआ है, एक बार जाके वहाँ पर ज़रूर देख लीजिएगा, यहाँ पर शॉर्टली मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसके बाद में आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे कि दीदी देखिए घर में छोटे बच्चे हैं और हमारे बच्चे छोटे हैं तो वो सो जाते हैं, तो हम रात में हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं है दीदी, हम कैसे राखी बांधें। तो देखिए अगर आपके बच्चे छोटे और वो नहीं मानते, अगर देखिए बहनें बड़ी हैं तो उन्हें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, और बच्चे बहुत छोटे हैं नहीं सुन रहे हैं, तो आप जो अभिजीत मुहूर्त है ठीक है, आप उस समय में क्योंकि भद्रा का असर बहुत कम होता है, तो आप 12:06 से लेकर 12:53 तक, यानी कि 11 अगस्त के दिन 12:06 से 12:53 तक दोपहर में आप राखी बंधवा सकते हैं। परंतु एक काम ज़रूर कर लीजिएगा, मैंने पहले भी आपको बताया था, जो भी आपकी राखी है ठीक है, उस राखी को और जो भी आप पूजन की सामग्री लेकर आए हो, जैसे नारियल हो गया, रक्षाबंधन में बहुत सारी चीज़ें देखिए लेकर आते, गिफ्ट्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें लाते, उन सभी को आप पहले भगवान को अर्पित कर दीजिए और कह दीजिए, देखिए वो उसी कंडीशन में करना है कि आप अगर 8:53 से पहले राखी बांध रहे हैं तब, नहीं तो 8:00 के बाद जब आप राखी बांधेंगे 8:51 से, क्योंकि समाप्त हो जाएगा, 8:52:53 के बाद आप राखी बांध सकते हैं, उसके पहले यदि बच्चे बांध रहे हैं तो फिर आप भगवान को सारी चीज़ें समर्पित कर दीजिएगा। और वैसे भी आपको देखिए सभी चीज़ों को भगवान को पहले लाकर समर्पित करना चाहिए ठीक है। इसके बाद कुछ लोग के प्रश्न आए थे कि दीदी यदि हम पहले वो राखी भगवान को बांध दें या भगवान के पास रख दें उसके बाद अपने भाई को बांध दें तो भद्रा काल में, तो देखिए ऐसा नहीं करना है, आपने भगवान के पास रख दी ठीक है, उस चीज़ का असर कम हो जाता है, परंतु हम अशुभ कार्य को करें ही क्यों, क्योंकि हम तो निश्चिंत तो जाते हैं कि हमने तो चलो भगवान के ऊपर डाल दिया, परंतु यदि देखिए आपके पास समय की पाबंदी नहीं है, आपको पता है कि मैं 8:52 के बाद राखी बांध सकती हूँ, तो आपको 8:52 के बाद ही बांधनी है रात्रि में ठीक है। और कुछ लोग पूछ रहे थे दीदी पहली राखी क्या भगवान को बांधना ज़रूरी होता है, तो देखिए भगवान ही हमारे सबसे बड़े कर्ता धर्ता होते हैं, ये जो मृत्यु लोक में जो हमें रिश्ते मिले हैं उससे पहले हमारे साथ हमेशा भगवान ही जुड़े हुए हैं। तो देखिए सबसे पहली राखी एक देव राखियाँ जिन्हें कहते हैं, या आप अलग से भी राखी रख सकते हैं भगवान के लिए, आप राखी सबसे पहले गणेश जी को बांधें, आप भोलेनाथ को मानते हैं तो आप भोलेनाथ को राखी बांधें, इसके बाद आपको एक राखी श्री कृष्ण को ज़रूर बांधनी चाहिए, क्योंकि
आपके जीवन के सबसे प्रिय सखा, सबसे पास रहने वाले, आपकी हर मनोकामनाओं को सुनने वाले यही आपके भाई बंधु होते हैं। इसके बाद देखिए, आपने भगवान को राखी बांधी, और वैसे भी हर रक्षाबंधन पे आपको पहले भगवान को राखी बांधनी चाहिए, उसके बाद ही आपको अपने घर में त्यौहार मनाना चाहिए। जो भी आप मिठाई वगैरह लेकर आए हैं, जो भी आप लाए हैं फल वगैरह, वो आपको पहले भगवान को अर्पित करनी चाहिए। अब देखिए, कुछ और प्रश्न मेरे पास ये थे कि और कुछ बातें भी थी जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहली बात, जब भी कोई त्यौहार होता है, सबसे पहली बात, जिन बातों को हम हमेशा इग्नोर कर देते हैं, कई बार हमें लगता है हम घर पर ही तो हैं। कुछ लड़कियां देखिए जो ससुराल से मायके जाती हैं, उन्हें तो बहुत शौक होता है कि हम लोग तैयार हो, परंतु कुछ लोग जो क्लोज ही रहते हैं, जो भाई बहन साथ में ही रहते हैं शादी से पहले, उनको लगता है कि देखिए अभी तो हम घर में ही हैं, भाई भी घर में है, बहन भी घर में है, तो हम बिना रेडी हुए ही कई बार भाई को राखी बांध देते हैं। परंतु देखिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी त्यौहार में सजना संवरना संपन्नता का प्रतीक माना जाता है, तो जब भी आप रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएं, भाई को भी बोलें कि भैया आप तैयार हो जाइए, और खुद भी आप तैयार हों, उसके बाद ही आपको त्यौहार मनाना चाहिए। हाथों में हो सके तो लड़कियों को मेहंदी अवश्य रूप से लगाना चाहिए किसी भी त्यौहार के दिन। इससे क्या होता है, माता लक्ष्मी का भी आपके घर में आगमन होता है, संपन्नता का प्रतीक माना जाता है सजना संवरना, तैयार होना, मेहंदी लगाना। तो जब भी आप रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं, तो खास तौर पर क्योंकि जो मेरी शादीशुदा बहनें जो विवाहित हैं, वो तो अक्सर इन रूल्स को फॉलो करती हैं, बट कई बार हम अनमैरिड होने के कारण इन रिचुअल्स को फॉलो नहीं करते, परंतु आपको करना चाहिए। एक रिचुअल्स का ध्यान आपको हमेशा रखना चाहिए, भले ही देखिए आप विवाहित हैं या अविवाहित हैं, ठीक है। जब भी आप रक्षाबंधन या किसी पूजा में बैठते हैं, हल्का सा सिर आपको ढक लेना चाहिए, और उसके बाद ही अपने भाई को राखी बांधनी चाहिए। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, भाई का सिर भी रुमाल की सहायता से ढका हुआ होना चाहिए। चाहे तो आप रुमाल ले सकते हैं, चाहे आप नैपकिन ले सकते हैं। रुमाल नैपकिन नहीं मिल रहा है तो सर पे अक्षत के दाने या फूल थोड़े से रख दीजिए, परंतु किसी भी चीज़ से आपका सर ढका हुआ होना चाहिए। इसके बाद ही आपको अपने भाई को राखी बांधना चाहिए। अब एक चीज़ की लोगों के बहुत सारे मेरे पास प्रश्न आ रहे थे, दीदी अगर हम जल्दी जल्दी में नारियल लेना भूल गए हैं तब हम क्या करें। देखिए, नारियल को श्रीफल यानी श्री अर्थात लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, तब अगर आप नारियल लेना भूल गए हैं, तब आप हाथों में कुछ भी अपने भाई के रुपए सिक्के कुछ भी रखकर मुट्ठी बंद करा के उसके बाद आपको राखी बंधवानी चाहिए। क्योंकि या तो आप नारियल रख लीजिए, नहीं है तो फिर आप कुछ भी सिक्का वगैरह रखकर, सिक्का भी नहीं मिल रहा है तो अक्षत रखने के बाद ही आपको अपने भाई के हाथ में राखी बांधनी चाहिए। और एक नारियल से आप अपने सभी भाइयों को, अगर आपकी एक से ज़्यादा संख्या में भाई हैं या बड़े परिवार में रहते हैं, तो एक नारियल से सभी लोग राखी बांध सकते हैं। अब कुछ प्रश्न मेरे पास ये भी थे कि दीदी नारियल को हमें क्या करना चाहिए, तोड़ के खा सकते हैं या किसी को दे दें, क्या करें। देखिए, वैसे तो ये जो नारियल है इसे आप खुद घर में यूज़ कर सकते हैं, खा सकते हैं तोड़ के, क्योंकि प्रसाद स्वरूप ही माना जाएगा। दूसरी चीज़, यदि आपके घर पे इसे तोड़ने का नियम नहीं है तो आप मंदिर में दे सकते हैं, पंडित जी को दे सकते हैं, या इसे विसर्जित कर सकते हैं। वैसे तो तोड़ के खा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। और कुछ चीज़ों का देखिए आपको बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन ना तो आपको काले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए, जिन भी कपड़ों में आपको लग रहा है थोड़ा सा भी काला रंग है वो वस्त्र धारण ना करें। हमेशा आप सफ़ेद या कोई भी रंग बिरंगे वस्त्रों को धारण कर सकते हैं, काले रंग के वस्त्रों को धारण ना करें। और जब भी आप अपने भाई के लिए राखी चुनने जाते हैं, तो कभी भी प्लास्टिक की या कांच की बनी हुई राखियां आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आजकल देखिए बहुत ट्रेंड में है, परंतु कांच को राहु का कारक माना जाता है, तो इसीलिए प्लास्टिक की और इस टाइप की आपको राखियां नहीं लेनी चाहिए। कुछ डिज़ाइन में जैसे चौरस डिज़ाइन बने होते हैं, साइड से नोक निकली होती हैं, इस टाइप की राखियां भी आपको नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि ये नकारात्मकता को बढ़ावा देती हैं। तो आपको राखी चुनते समय बहुत ध्यान रखना चाहिए कि कोई डिज़ाइन टूटा हुआ ना हो, धागा नहीं थोड़ा सा टूटा हुआ हो। राखी को संपन्नता का प्रतीक माना जाता है, रक्षा सूत्र माना जाता है। रक्षा सूत्र अर्थात आपके भाई की रक्षा करने वाला धागा, रेशमी धागा, तो ठीक है। और वैसे तो मैं बोलूँगी कि बहनों को स्वयं अपने हाथ से राखी बनानी चाहिए, अगर नहीं समय है तो देखिए आप मार्केट से लेकर आएं, क्योंकि अपने हाथ से बनी हुई चीज़ में जितना प्रेम होता है उतनी मार्केट की चीज़ों में नहीं होता है। परंतु ठीक है, देखिए आधुनिक ज़माना है, आप बिल्कुल मार्केट से राखी लेकर आएं, परंतु राखी लाते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए। उसमें काला रंग ज़रा सा भी प्रयोग किया हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल स्टोन्स वगैरह आजकल दिखते तो बहुत सुंदर है, परंतु राखी खरीदते समय हमें विशेष चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और एक चीज़, जब भी आप कभी राखी लेकर आते हैं, हम बहुत महंगी बहुत सुंदर सुंदर राखियाँ लेके आते हैं, कई बार थोड़ी सी क्रैक हो गई या कोई स्टोन निकल गया या हमें लगता है कि ये धागा ख़राब हो रहा है, तो हम वैसे की वैसी राखी अपने भाई को बांध देते हैं, या कई टूट जाती हैं तो हम उसे जोड़ लेते हैं, तो ये चीज़ें आपको नहीं करना चाहिए, नकारात्मकता को बढ़ावा देती हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए।
अब एक चीज़ का ध्यान हो रखिएगा, कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स थे, दीदी पीरियड्स में हम राखी कैसे बांधें, हम पूजा कैसे करें। तो देखिए, यदि आपके पीरियड्स हैं और आप भाई को राखी बांधना, क्योंकि देखिए राखी के त्यौहार में पीरियड्स से कोई लेना देना नहीं होता है, परंतु हम भाई को आरती उतारते हैं, हम भाई की पूजा वगैरह करते हैं, तो वो चीज़ें बस आपको नहीं करनी है। अगर आपके घर में कोई अन्य सदस्य है तो आप उनसे थाली लगवा के दीपक वगैरह अलग से जलवा लीजिए। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आपको नहीं जलाना है, पर उस थाली को आप हाथ मत लगाइएगा। एक थाली में अलग से थोड़ा सा कंकु यानी सिंदूर, जिससे हम तिलक करते हैं, या फिर चंदन डलवा लीजिएगा या चावल डलवा लीजिएगा, ठीक है। आपने वो सब डलवाया, राखी आप भाई को अलग से बांध सकते हैं, मीठा अलग से खिला सकते हैं। पूजा की किसी चीज़ को देखिए आपको हाथ लगाना नहीं है, क्योंकि जब हम अपने हाथ से यदि मंदिर का चंदन वगैरह सिंदूर यूज़ करेंगे तो वह भी अपवित्र हो जाता है। तो आप अलग से प्लेट में थोड़ा सा डलवा लीजिए, जितना आपको भाई को लगाना है। तो इस तरह से आप पीरियड्स में राखी बांध सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कुछ कमेंट्स मेरे पास ये भी थे, और जो हर लड़की के मन में चलता है कि दीदी भद्रा चल रहा है, तो हम चलो ससुराल से मायके तो आ गए हैं, परंतु मायके से ससुराल जाएं या नहीं जाएं भद्रा काल में, क्योंकि आप सभी को पता है 8:52 के बाद रात में राखी बंधेगी, तो कोई भी बहनें बहुत जल्दी तो देखिए नहीं निकल पाएंगी, क्योंकि रात्रि में राखी बंधने वाली है। तब हमें दीदी क्या करना चाहिए, वापस हम आएँ या नहीं आएँ? तो देखिए, आपको वापस आना है तो आप क्या कर सकते हैं, जो भी कोई आपके आसपास अड़ोसी पड़ोसी हो उनके यहाँ पर अपने कपड़े किसी कैरी बैग में डाल के आप रखवा सकते हैं, इससे दोष नहीं लगता है। परंतु ध्यान रखिएगा, पिछले वाले घर में हमें नहीं रखवाना चाहिए, जो हमारे रास्ते में आगे घर पड़ता हो उसमें रखवाना चाहिए, जो भी आपके अड़ोसी पड़ोसी है, मतलब पीछे की तरफ वाले घर में नहीं, जैसे पीछे गली में हमारे कोई रिश्तेदार रहते हैं, पड़ोसी रहते हैं, वहाँ रखवा दें, ऐसे नहीं करना है। जो भी आपके रास्ते में पड़ने वाले जो घर होते हैं उसमें रखवाया जाता है। तो आप बस बैग वगैरह रखवा सकते हैं, बैग नहीं भी रखवा रहे तो एक दो जोड़ कपड़े आप निकलवा के रखवा दीजिए, इससे आपको दोष नहीं लगेगा, ठीक है। आप फिर अपने मायके से ससुराल आ सकते हैं। जैसे नई नई शादी होती है, कई बार देखिए वहम आता है मन में, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। और सबसे मेन बात अक्सर मन में आती है कि दीदी हम अगर भाई छोटा है तो हम उसे क्या गिफ्ट करें, या अगर हमारी बहन है तब हमें क्या करना चाहिए, बड़ी है वो हमसे, क्योंकि कुछ कमेंट्स मेरे पास अक्सर आते रहते हैं। तो देखिए, आपका भाई छोटा है तो आप बिल्कुल उसे गिफ्ट दे सकते हैं, क्योंकि देखिए बहनें बड़ी होती हैं तो उन्हें लगता है कि रक्षाबंधन का त्यौहार है, भाई छोटा है तो हम उसे कुछ ना कुछ गिफ्ट करें। आप बिल्कुल गिफ्ट दीजिए। और देखिए, आपकी क्षमता है या नहीं है, बहनों के लिए मैं एक बात बता रही हूँ, कभी भी मन में बहुत ज़्यादा हमें नहीं करना चाहिए कि हम अपने भाई भाभी के घर गए हैं तो हमें तो ये चीज़ें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि देखिए ये इंसानी स्वभाव होता है। कई बार हम अपनी मनमानी चीज़ों के लिए हम लड़ने लगते हैं कि नहीं, हमें तो यही चीज़ चाहिए भैया, हमें यही ला के देना, परंतु कई बार भाई की हैसियत नहीं होती है। वैसे तो मैं प्रार्थना करूँगी भगवान से, हर भाई अपनी बहन की हर इच्छा को पूरी करने का दायित्व लेना चाहता है, इच्छा को पूरी भी करता है, पर कई बार किसी विशेष परिस्थितियों के कारण हम पूरी नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, बहनों को ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। भाई अगर प्रेम से 11 रुपए भी आपके हाथ में देना, उसे भी आपको बहुत खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए। और भाइयों को भी देखिए एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए, अगर आपकी क्षमता है, क्योंकि कहा जाता है कि बहन बेटी को यदि खुश करके रखा जाए तो माता लक्ष्मी तो स्वयं दौड़ी दौड़ी आती हैं, परंतु देखिए परिस्थितियां कई बार साथ नहीं देती हैं। और मैं अक्सर सोचती भी हूँ कि देखिए, आपकी भली परिस्थितियां साथ नहीं देती हैं, परंतु जब भी बहनें आएँ उन्हें खाली हाथ ना भेजें, भले आप 11 रुपये हाथ में रखे भेजें, उन्हें 11 रुपये आपको देने ही चाहिए, इससे कम तो देखिए मैं क्या ही बताऊँगी, परंतु हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा, बाकी जितनी आपकी क्षमता है उस अनुसार त्यौहार मनाइए, बहुत प्रेम से रहिए, और ये रक्षाबंधन का त्यौहार आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए, बस यही प्रार्थना करती हूँ। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता रानी दोस्तों।